हेलो, राम राम सा खम्बागणी। मैं विवेक कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स में स्वागत करता हूं। साथियों मेरे, मैंने शुरू किया है एक कोर्स। कोर्स है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, एक पंक्ति में प्रश्नों का संग्रह, जिसमें हम 20 लेसन पढ़ चुके हैं। लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और आज हम बात करते हैं अध्याय 21 लेसन नंबर 21 की। साथियों, राजस्थान राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हमने सारा संग्रह जो है वो पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर आने वाले क्वेश्चंस के बारे में सोचकर बनाया हुआ है। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो पूरा देखा करें, कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे साथियों भाइयों, वीडियो में क्वेश्चंस वन लाइनर्स में हैं, उसके साथ साथ आपको बहुत कुछ मिलेगा, यानी कि कुछ जो पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है उनका डिस्क्रिप्शन विवरण भी आपको मिलेगा। तो आइए आप लोग राजस्थान की इस कड़ी में शुरू करते हैं अध्याय 21 कि बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीकानेर की थी। किस तिथि को हुड़ा सम्मेलन हुआ था? तो हुड़ा सम्मेलन हुआ था 16 जुलाई 1734 को। राजस्थानी लोक कला में लकड़ी पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? तो लकड़ी पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें राजस्थानी भाषा में कावड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कावड़। राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थानी शोध संस्थान स्थित है जोधपुर में। किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उनका सहयोग किया था? तो कौन सा ऐसा राज्य था जिसने मुगलों के सामने सबसे पहले समर्पण किया था? वह था आमेर राज्य। आमेर कहाँ पर है? जयपुर में। मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है? तो राव चूड़ा को भीष्म पितामह के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? राज प्रशस्ति। राजस्थान में किस नदी के किनारे पर कालीबंगा के अवशेष मिले? घग्गर नदी के किनारे पर। मोहम्मद गोरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया है? तो मोहम्मद गोरी की पराजय का वर्णन चंद बरदाई ने किया है। राजस्थानी लोक कला में कपड़ों पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? पटचित्र। आपने देखा कि कुछ टाइम पहले, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो लकड़ी पर चित्र बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? कावड़। और कपड़ों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको कहते हैं पट चित्र। राजस्थानी संत जाम्बोजी किसके शिष्य थे? गुरु जाम्बोजी थे गुरु गोरखनाथ के शिष्य। राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? पाली जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ था? महाराणा कुंभा का राज्यारोहण हुआ था 1433 ईस्वी में। एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है? एकलिंग महात्म्य का लेखक भी है महाराणा कुंभा। किस शासक ने कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। और राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। साथियों बार बार एक चीज आ रही है, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़, उसके साथ ही कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ। तो आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ के बारे में। साथियों विजय स्तंभ की बात की जाए तो विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक स्तंभ या टावर है। इसका निर्माण जो करवाया था इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 से 1448 के मध्य बनवाया था। साथियों विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस और इसके साथ साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का भी प्रतीक चिन्ह है। साथियों इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहते हैं। विजय स्तंभ की बात की जाए तो विजय स्तंभ की लंबाई है 120 फीट। लंबाई कितनी है? 120 फीट। विजय स्तंभ की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 30 फीट। और यह 9 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिल है इसमें? 9 मंजिला इमारत है, जो कि भारतीय स्थापत्य कला कारीगरी, सुंदर कारीगरी, बारीकी का एक नायाब नमूना है। साथ ही विजय स्तंभ को देखा जाए तो ये नीचे से चौड़ा, बीच में से सकड़ा
और ऊपर से पुनः चौड़ा है, यानी कि डमरू जो होता है ना, डम 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 डम, डमरू के आकार का है। और इसमें ऊपर तक जाने के लिए 158 सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। तो ये था विजय स्तंभ जो कि राणा कुंभा ने 1440 से 1448 के मध्य बनवाया था चित्तौड़गढ़ में। अब बात करते हैं कीर्ति स्तंभ की। साथियों, कीर्ति स्तंभ भी एक मीनार है, स्तंभ या मीनार है, जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। साथियों, कीर्ति स्तंभ को भगेरवाल जैन व्यापारी जीजाजी कथोड़ ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। इसकी लंबाई है या ऊंचाई है 22 मीटर और इसमें कितनी मंजिलें, 7 मंजिला इमारतें। इसमें चढ़ने के लिए 54 चरणों वाली सीढ़ी है और इसमें जैन पंथ से संबंधित चित्र भरे हुए हैं। तो ये था कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ के बारे में। आपको डेली नया नया कुछ मिलेगा, नया नया सीखने के लिए मिलेगा, इसलिए आपसे नंबर निवेदन है कि वीडियो पूरा देखा करें, कंप्लीट वीडियो। अभी तो और भी आने वाला है कुछ नया, वीडियो पूरा देखें और पूरा वीडियो देखने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजमेर नगर की स्थापना की थी अजय राज ने। पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी? पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा की थी और उदय सिंह के प्राण बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया था। उन्हें दाय माता, पन्नाधाय को दाय माता के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज की पूरी जीवनी का वर्णन है, उसकी रचना चंद्रवरदाय ने की थी। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? ढूंढाड़ राज्य बनाया था दुलय राय ने। और ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1137 ईस्वी में। साथियों, मेवाड़ में अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई थी? 1818 ईस्वी में। और क्रांति कब हुई? 1857 में। किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला राज्य था करौली राज्य। सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? सहायक संधि का जन्मदाता था लॉर्ड वेलेजली। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नसीराबाद छावनी से। राजस्थान में क्रांति के ज्वाला जो फूटी थी, वह फूटी थी नसीराबाद छावनी से। नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया और विद्रोह करने के बाद वो दिल्ली की ओर कूच कर गए थे। आउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया था? आउवा में हुआ था G.H. मैकमैनसन का। कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो कोटा में हुई थी बर्टन की हत्या। बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिजोलिया में जो किसान आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। किस नगर को प्राचीन काल में अहिच्छत्रपुर के नाम से भी जाना जाता है? नागौर को। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है गुप्त काल। जो गुप्त काल था वह प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, सोने का युग कहलाता है। चंद्रवरदाय ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? चंद्रवरदाय ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है अग्नि कुंड से। अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई? अकबर ने नीति अपनाई सुलह कुल की नीति। आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? मानसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? इन्हें पदवी दी थी शाहजहां ने। पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई थी? जून 1665 ईस्वी में। बिहारी सत्सई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में। किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया था? अकबर ने। जयपुर की स्थापना कब की गई थी? जयपुर की स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1727 ईस्वी को। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? तो राजस्थान के कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। साथियों, मेरे राजस्थान राज्य में 7 संभाग हैं। 7 संभागों में कि कोटा भी एक संभाग है और कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ 4 जिलों को मिलाकर एक संभाग बनाया है जिसका नाम है कोटा संभाग। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, 7 संभाग हैं। कोटा संभागों में से एक है जिसमें 4 जिले शामिल हैं, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़।
साथियों, कोटा संभाग जो है वो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा, तो कोटा संभाग। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, कोटा संभाग। तीसरा क्वेश्चन, सर्वाधिक अभ्यारण्यों वाला संभाग कौन सा है, तो वो भी कोटा संभाग। यानी कि सबसे ज्यादा नदी किसमें, कोटा संभाग में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, कोटा संभाग। सर्वाधिक अभ्यारण वाला संभाग कौन सा है, कोटा संभाग। साथ कोटा संभाग के जिलों को याद रखने की जो ट्रिक है, वो छोटी सी ट्रिक क्या है कि बाबू को झुला दे। बाबू मानी बच्चे, जो छोटा बच्चा होता है उसको बाबू कहते हैं। तो छोटे बच्चे को झुला दे, बाबू को झुला दे, बाबू को झुला दे। बा मतलब बारार, बू मतलब बूंदी, को कोटा झुला झालावाड़। तो बारा, कोटा, बूंदी और झालावाड़ चारों ने मिलकर बनाया कोटा संभाग, और इसको ट्रिक है बाबू को झुला दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर राज्य की स्थापना किसने की थी, जोधपुर राज्य की स्थापना की थी राव जोधा ने। जोधपुर राज्य की स्थापना कब की गई थी, 1459 ईस्वी में। श्री रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है, श्री रंगनाथ जी का मंदिर स्थित है अजमेर में। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली द्वारा बीच में से विभाजित है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो राजस्थान राज्य को दो भागों में बांटती है। राजस्थान में लगभग 550 किलोमीटर लंबी यह श्रृंखला है। टोटल 692 किलोमीटर है, जो कि दिल्ली के रायसीना हिल से शुरू होकर गुजरात के पालनपुर तक जाती है। साथियों, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है झुंझुनू से, खत्म होती है सिरोही में। लगभग 550 किलोमीटर की यह पर्वत श्रृंखला एक नदी प्रणाली द्वारा बीच में से विभाजित होता जाती है, और उस नदी का नाम है लूणी और बनास नदी। पद्मावत के रचनाकार कौन है, पद्मावत के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत पर एक मूवी भी बनी है, पद्मावती। आपने देखी होगी दीपक पादुकोण की मूवी, जिसमें अहम रोल यदि माना जाए तो अहम रोल दीपिका पादुकोण का है, और उनके साथ साथ रणवीर सिंह का है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है मीणा जनजाति। चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था, चौहानों का सर्वाधिक विकास विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में हुआ था। राजस्थान राज्य में जीरा की खेती के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, जीरा की खेती सर्वाधिक होती है जालौर में, कौन सा जिला प्रसिद्ध है, जालौर जिला। राजस्थान के कौन से संग्रहालय में सिंधु सभ्यता से लेकर गुप्त वंश तक के नमूने रखे हैं, तो बीकानेर संग्रहालय में। अजीत सिंह मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था, अजीत सिंह था मारवाड़ के जसवंत सिंह का पुत्र। तेजपाल मंदिर आबू रोड में किसकी विराजित प्रतिमा है, नेमीनाथ जी की। किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है, महाभारत में। और आज के हमारे वीडियो जो है 21 नंबर का वीडियो लेसन है, इसका अंतिम क्वेश्चन कि भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो अंतिम हिंदू शासक था हेमो विक्रमादित्य। तो साथियों, मेरे हमारे 21 लेसन कंप्लीट हुए, और 21 लेसन के साथ 1050 प्लस क्वेश्चंस, लगभग 1100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो पूरा देखें, कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, डेली आपको अर्ली मॉर्निंग एक वीडियो मिलता है, तो प्लीज़ एक वीडियो देखना ना भूलें। और साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल है छोटा सा यूवी कंपटीशंस यदि सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करें। और साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें। लाइक बटन पर क्लिक करने के साथ साथ अपना जो भी कमेंट है, अच्छा या बुरा, वो कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। खम्मागणी, राम राम सा, जय राजस्थान।